हाय गाइस, आपका स्वागत है बिंदास आइडियाज चैनल में। और मैं आ गई हूँ एक और नए आइडिया और एक और नए रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे हरे मटर की दाल, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हरे मटर की दाल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये हरी मटर ली है, ये लगभग 250 ग्राम है। इसे सबसे पहले हम पीस लेंगे, तो ग्राइंडर में जार डाल के जार में, और इसे हम पीसते हैं। और थोड़ा सा जो है हम इसे ऐसे ही रख लेंगे, इसको नहीं पीसेंगे, इसे बाद में यूज़ करेंगे। और इसको हम पीस लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है हमें। पेस्ट बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। 5 स्पून मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं 2 बे लीफ डालती हूँ। छोटे छोटे 2 बे लीफ डाले मैंने। इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें 1 अनियन मैंने एकदम बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। फाइन चॉप्ड अनियन इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब तक प्याज हो रही तब तक हम थोड़ी सी इसमें हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर डाला कीजिए। और अब इसे अच्छे से सॉटे करते हैं, गोल्डन ब्राउन होने देते हैं प्याज को हम। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इस स्टेज पे हमने जो मटर की प्यूरी बनाई है उसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे ही हम इसे 5 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। मिनट हो चुके हैं, ये भून चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टर्मरिक पाउडर डालते हैं 1/2 स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून, रेड चिली पाउडर इसे भी मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि दाल जो है ये तीखी ही अच्छी लगती है। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बट ये तीखी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने 1 स्पून डाला है। अब इसमें नमक डालते हैं, स्वाद अनुसार अपने डाल दीजिए इसमें, और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, 1/2 स्पून। और अब इसमें मैं 1/2 ग्लास वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे अब हम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1 स्पून, और मैंने 1 टोमेटो बड़े बड़े साइज में चॉप करके रख लिए हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही हम भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है ताकि इसका जो कड़वापन है, या ऐसे ही अगर हम बनाएंगे तो ये टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे से भूनना है। अब हम इसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक फ्राई करते हैं। ये जब तक भून रही तब तक जो हमने थोड़े से मटर बचाए थे बिल्कुल खड़े खड़े, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी इसी के साथ हम भून लेंगे। कुछ कुछ इसमें मटर खड़े रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट आता है, तो इसे ऐसे ही हम भून लेंगे।
15 मिनट और इसे हम भूनते हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से ये भून चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल रहे हैं और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, 1 ग्लास वाटर मैं डाल रही हूँ। पहले इसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे गाढ़ा ही रखना है। और फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। अब हम अच्छे से ये मिक्स हो गई है, अब इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं। ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ लेमन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खट्टा और तीखा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी आता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट होता है इसका, तो लेमन ज़रूर ऐड करें इसमें। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है, बिल्कुल भी पतली नहीं है, गाढ़ी है बहुत ज़्यादा, तो इसे ऐसा ही रखना है। और इसे आप चावल या रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब ये बिल्कुल रेडी है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब इसे सर्व करते हैं। तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं गाइस, इसे मैंने कोरिएंडर फ्लावर्स के साथ इसे सर्व किया है मैंने, और लेमन फ्लावर्स भी हैं इसमें, तो मैंने इसे ऐसे सर्व किया है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही इजी है इसे बनाना, बिल्कुल भी टफ नहीं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ आप इसे ज़रूर देख पाएँ, सबसे पहले आप इसे देख पाएँ।